हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं नर्सरी गई थी और कुछ प्लांट मैं खरीद करके लाई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सा प्लांट खरीदी हूँ, कितने में खरीदी हूँ, कौन से नर्सरी से खरीदी हूँ और नर्सरी में कौन कौन से अभी हमारे यहाँ प्लांट है, नर्सरी हमारे घर से कितना दूर है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं जो प्लांट खरीदी हूं, यही सब प्लांट है दोस्तों। तो इसका नाम और दाम मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं 20 दिनों से अपने यहाँ जितने भी आसपास के नर्सरी हैं मैं जाती थी, लेकिन मुझे जो मैं प्लांट मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं अवेलेबल था दोस्तों। ये नर्सरी भी थोड़ा अभी इन दिनों अस्त व्यस्त है, कभी इधर कभी उधर। यहाँ बहुत मुश्किल से कोई भी प्लांट मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस नर्सरी में ज़्यादा विंटर के प्लांट ही लगे हुए हैं। मेरी गोल्ड आपको ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों, और इंडोर प्लांट है यहाँ कुछ, और ख़ास कुछ भी नहीं है। हैंगिंग प्लांट भी यहाँ नहीं है। तो मैं इस नर्सरी में आती थी और हमेशा ये कुछ दिनों का टाइम दे करके मुझे आश्वासन देते थे कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन इस चक्कर में मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो मैं वीडियो बनाई थी, वही वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप भी कि यहाँ समर के कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसलिए मैं अब चली आई दूसरे नर्सरी में। ये नेपाल नर्सरी है, ये हमारे घर से काफ़ी दूर है। मैं ऑफिस से आज लंच टाइम में ही निकल गई और आ गई नर्सरी। अब बहुत लेट हो जाता मैं प्लांट खरीदती तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा प्लांट खरीदना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। और इस नर्सरी में भी मैं 7 दिन पहले आई थी, तो इन्होंने मुझे बोला था कि 5-6 दिन में प्लांट आएगा, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो बहुत सारे प्लांट हैं यहाँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ मैं इस नर्सरी का छोटा सा ओवरव्यू आपको दिखाती हूँ। देखा आपने, समर फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम है, लेकिन जो भी है मैं इसमें से आज ले करके जाऊंगी। एगोनिमा का आपने देखा प्राइस 650 रुपया इन्होंने रखा है। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन जो भी है प्राइस बहुत ज़्यादा है। स्पाइडर प्लांट है और स्पाइडर प्लांट का इन्होंने 250 रुपया रखा है। तो मेरे पास स्पाइडर प्लांट नहीं है और मैं बहुत दिन से खोज रही थी स्पाइडर प्लांट, तो मिला है मुझे। मैं एक स्पाइडर प्लांट इसमें से लूँगी। कनेर का भी बहुत अच्छा है कलर इसका, तो मेरी दोस्त ले रही है, इसका भी 250 है। देखिए टिकोमा है और टिकोमा का प्लांट कितना छोटा है, और इसका प्राइस आपने देखा 225 रखा है, तो मैं ये भी लूँगी। यहाँ देखिए एडेनियम का प्लांट है। एडेनियम के प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं खिला हुआ है, जो मुझे पता चले कि किस प्लांट में कौन सा फ्लावर खिलेगा। मैं जितने बार नर्सरी में एडेनियम का प्लांट लेने आई हूँ,
तो कभी प्लांट ही नहीं मिलता था, और मिलता था तो इसी तरह का मिल रहा था, तो मैं नहीं ले रही थी। मेरे गार्डन में एडेनियम का प्लांट नहीं है, तो मैं इसमें से एक प्लांट लूँगी। देखिए इसका दाम इन्होंने 450 रुपया रखा है, तो मैं इसमें से एक प्लांट खरीद रही हूँ। मेरे घर में इस प्लांट में जिस कलर का फ्लावर खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ देखिए ये भी प्लांट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसका नाम अभी नहीं बता सकती हूँ दोस्तों, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, तो इस प्लांट को भी मैं ले रही हूँ। और यहाँ देखिए ये मुर्ग केस है, इसका हाइब्रिड मुर्ग केस है दोस्तों, तो इसका 2-3 कलर है इनके पास, तो मैं इसमें से 3 ले रही हूँ। यहाँ देखिए ये दे रहे हैं मुझे येलो कलर का, एक मैं रेड कलर का ली हूँ, और एक येलो में ही दूसरे वेराइटी का है, तो मैं भी ले रही हूँ, मेरी दोस्त भी ले रही है, तो हम लोग कुल मिलाकर के 8 प्लांट इनसे ले रही हूँ। और ये प्लांट इन्होंने इसका प्राइस रखा है 50 रुपया, तो इस प्लांट को भी हमने ख़रीदा, सभी मिल के हम लोग 8 प्लांट ख़रीदे हैं दोस्तों। देखिए इनका निकालने का किस तरह से ये निकालते हैं, तो मिट्टी में जो भी प्लांट लगे होते हैं घर ले जाकर के उसी दिन इसे रिपोर्ट करना होता है, नहीं तो ये प्लांट कभी ऐसा होता है सॉकिंग में चला जाता है, हम पानी का छिड़काव दे करके छोड़ देते हैं, तो कभी कभी ये प्लांट नहीं भी लगता है दोस्तों। मैं कितनी बार इस तरह से मेरे साथ हो गया है, तो देखिए हमने इतना सारा प्लांट ख़रीदा है, कुछ हमारी दोस्त का प्लांट है, रबर प्लांट भी लिया है उन्होंने, और कुछ का मुझे नाम भी नहीं मालूम है दोस्तों। यहाँ देखिए ये दे रहे हैं मुझे, मैं ले रही हूँ नागचंपा, नागचंपा का प्राइस इन्होंने बताया 250 रुपया, तो मुझे लेना पड़ा, मेरे गार्डन में नहीं है, और मैं जो कटिंग से लगाई हूँ अभी बहुत छोटा है, उसे इतना बड़ा होने में 1 साल निकल जाएगा, तो इस प्लांट को मैं ख़रीद रही हूँ, तो ये भी हमने ख़रीदा, सभी को मैं घर लाई, और घर में ला करके मैं सभी प्लांटों के बीच में निकाल करके रख दिया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं इन प्लांट को जब रिपोर्ट करूंगी वो भी वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी, जल्द कह रही हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा मैं लेट हो जाती हूं, थकी आती हूं ऑफिस से, फिर घर के काम होते हैं, वीडियो एडिट करना पोस्ट करना टाइम ही नहीं मिल पाता है, कभी कभी सोच के भी नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना जल्द हो सके वीडियो मैं पोस्ट करूँ, कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती हूँ, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो फिर मैं बहुत जल्द इस वीडियो को पोस्ट करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।